दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में जमानत दी थी। जेल से बाहर आने पर भावुक हुए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया जोरदार स्वागत, रिहाई पर मनाया जश्न, केजरीवाल के लिए नारेबाजी की। जेल से रिहाई के बाद बोले केजरीवाल, सलाखों से नहीं टूटेगा मेरा हौसला, देश विरोधी ताकतों से लड़ते रहेंगे। चंदगीराम अखाड़े से आम आदमी पार्टी ने शुरू किया रोड शो, सीएम केजरीवाल की आवाज पर चलेगा रोड शो। केंद्र सरकार ने बदला पोर्ट ब्लेयर का नाम, अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा पोर्ट ब्लेयर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा नीतीश कुमार ने सभी विधायकों के सामने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी। पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चलाएगी आरजेडी, 18 सितंबर को लालू यादव अभियान की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर निशाना, बोले कोई रात को सपने देखता है, तेजस्वी यादव दिन में ही सपने देखते हैं। शिमला के संजौली के बाद अब मंडी में भी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। मंडी में प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा बैरिकेड्स, पुलिस से भिड़ंत, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय के नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी, सीबीआई ने अदालत में दी अर्जी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का किया दौरा, मुंबई लोकल में सफर किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, दो आतंकी मार गिराए गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सोयाबीन के दाम 6000 रुपए क्विंटल किए जाने की मांग पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष का बीजेपी पर निशाना। एनसीआर में लगातार बारिश से कई जगह जलभराव, वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली के पारस चौक के पास सीवर का पानी ओवरफ्लो, कालकाजी से डिफेंस कॉलोनी की ओर जाने वाले रूट्स बाधित। राजस्थान के पाली में भारी बारिश से नदी में तेज बहाव, आवागमन बाधित, इलाका टापू में तब्दील। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भारी बारिश, उफान पर सिंध नदी।